हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट टुडे इज गुलिवर्स ट्रेवल्स. ये जो हमारा चैप्टर है ये टेक्स्ट बुक में पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड टेक्स्ट बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एंड अदर एक्सरसाइजेस हमने कंप्लीट कर ली है. देन आफ्टर हमने प्रीवियस क्लास से स्टार्ट किया था वर्कबुक. ओके, और इसमें भी हमने वर्कबुक का पेज नंबर 60 एंड पेज नंबर 61. पेज नंबर 60 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दिया था. देन आफ्टर पेज नंबर 61 में क्वेश्चन नंबर 3 to 14, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 14 तक क्वेश्चन आंसर दिए हैं. ऐसे टोटल 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चंस के आंसर हमने अपनी वर्कबुक में फिलअप कर लिया है. राइट, देन आफ्टर इसे हम कंटिन्यू करेंगे और जो है हम ओपन करेंगे पेज नंबर 62. इन पेज नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 2, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स. राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स मीन्स हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर चूज करना है. ओके, मीन्स इसमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें से हमें करेक्ट आंसर चूज करके उसका नंबर ब्रैकेट में राइट. गुलिवर वॉज अ ब्लैंक, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं. ऑप्शन नंबर ए फार्मर, ऑप्शन नंबर बी सेलर, ऑप्शन नंबर सी ड्वार्फ, ऑप्शन नंबर डी जाइंट. मीन्स जो गुलिवर था, गुलिवर एक था तो क्या था, गुलिवर वॉज अ सेलर मीन्स वो क्या था, वन सेलर था. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है. तो आप यहाँ पर जो ब्रैकेट दिया है उसमें बी राइट करेंगे. देन आफ्टर है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड टू. द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड टू मीन्स जो कैप्टन है उसने मैन को लैंड पर भेजा था. ऑप्शन नंबर ए ब्रिंग वाटर, वाटर लाने. ऑप्शन नंबर बी ब्रिंग फूड, फूड लाने. ऑप्शन नंबर सी लुक फॉर जेंट्स, जेंट्स को देखने के लिए. या ऑप्शन नंबर डी लुक फॉर एनिमल्स, एनिमल्स को देखने के लिए. टेल मी डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू स्टोरीज का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. मीन्स जो कैप्टन है उसने उनके जो अदर मैन थे उन्हें लैंड पर किस लिए भेजा था, ब्रिंग वाटर, वाटर लाने के लिए भेजा था. ओके, द लैंड वॉज, द लैंड वॉज, लैंड थी. अब आगे ब्लैंक है, अब कैसी थी वो हमें राइट करना है. ऑप्शन नंबर ए डेजर्टेड थी. ऑप्शन नंबर बी फुल ऑफ स्प्रिंग्स थी. ऑप्शन नंबर सी फर्टाइल थी. या ऑप्शन नंबर डी बैरन एंड रॉकी. ऑप्शन नंबर डी बैरन एंड रॉकी. तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, द लैंड वॉज बैरन एंड रॉकी. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. मीन्स जो वहाँ की लैंड थी वो कैसी थी, बैरन मीन्स बंजर थी और रॉकी पथरीली थी. मीन्स वहाँ की जो लैंड थी वहाँ पर क्या थे, पूरे पत्थर ही पत्थर थे और वो सारी भूमि
बंजर थी, सारी जो लैंड है वो बैरन थी, वहाँ पर ज़्यादा कोई भी फसलें दिखाई नहीं दे रही थी। पूरा एरिया जो है वो कैसा था, रॉकी था, पथरीला था। ओके, देन क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर, अ ब्लैंक वॉज चेसिंग द मैन फ्रॉम द सीप। तो जो है उस मैन का सीप से कौन चेस कर रहा था, उसे पीछा कौन कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए लॉयन कर रहा था, ऑप्शन नंबर बी डायनासोर कर रहा था, या ऑप्शन नंबर सी मॉन्स्टर कर रहा था, या ऑप्शन नंबर डी ड्वार्फ कर रहा था। ड्वार्फ मीन्स होता है बौना, मीन्स ऑप्शन नंबर ए लॉयन, मीन्स क्या शेर उस उन मैन का। या फिर ऑप्शन नंबर सी मॉन्स्टर, मीन्स कोई दैत्य पीछा कर रहा था, या फिर डॉर्फ कोई बौना व्यक्ति पीछा कर रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मॉन्स्टर। ओके, अ मॉन्स्टर वॉज चेसिंग द मैन फ्रॉम द सी। ओके, देन है क्वेश्चन नंबर फाइव। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हेन गुलिवर शाह अ मॉन्स्टर कमिंग टूवर्ड्स हिम ही वॉज। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हेन गुलिवर शाह अ मॉन्स्टर कमिंग टूवर्ड्स हिम ही वॉज। जब गुलिवर ने मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते देखा तो ही वॉज, वह था, कैसा था। ऑप्शन नंबर ए हैप्पी था, ऑप्शन नंबर बी रिलाइव रिलाइव था, ऑप्शन नंबर सी सैड था, या ऑप्शन नंबर डी फाइटन था, डरा हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ही वॉज फाइटन, ऑप्शन नंबर डी, मीन्स वह बहुत डरा हुआ था। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, द मॉन्स्टर्स कैरीड, द मॉन्स्टर्स कैरीड, मॉन्स्टर ले जा रहा था, क्या ले जा रहा था। ऑप्शन नंबर ए अ बिग शॉट, ऑप्शन नंबर बी अ बिग स्टिक, ऑप्शन नंबर सी अ बिग रेपिंग हुक, एंड ऑप्शन नंबर डी अ बिग एक्स। तो द मॉन्स्टर्स कैरीड अ बिग रेपिंग हुक। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, द जाइंट कैरीड अ रेपिंग हुक बिकॉज, जो जाइंट है वो रेपिंग हुक कैरीड कर रहा था, ले जा रहा था, बिकॉज क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए ही वॉज फाइटिंग विथ अदर जेंट्स, वह दूसरे जेंट्स के साथ फाइटिंग करना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी ही वॉज गोइंग टू रिप द कॉर्न, वो जो है कॉर्न रिप करने जा रहा था, कट करने जा रहा था। या ऑप्शन नंबर सी ही वॉन्टेड टू फाइटन गुलिवर, वह जो है गुलिवर को डराना चाहता था। या फिर ऑप्शन नंबर डी ही वॉन्टेड टू कैच गुलिवर, वह गुलिवर को पकड़ना चाहता था। तो उसका करेक्ट आंसर होगा द जायंट कैरीड और रेपिंग हुक बिकॉज ही वॉज गोइंग टू रेप द कॉर्न, क्योंकि वह जो है रिप करने जा रहा था कॉर्न को। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर एट, द जायंट्स वर ब्लैंक। ऑप्शन नंबर ए फार्मर्स, ऑप्शन नंबर बी बार्बर्स, ऑप्शन नंबर सी गार्डनर्स, ऑप्शन नंबर डी कॉबलर्स। तो द जेंट्स वर, तो जो जेंट्स थे वो क्या थे, फार्मर्स थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, द जेंट्स वर फार्मर्स।
लुक्ड एट गुलिवर विथ, मीन्स जो जायंट थे वो गुलिवर को देख रहे थे, किसके साथ देख रहे थे? ऑप्शन नंबर ए एंगर, गुस्से के साथ देख रहे थे। ऑप्शन नंबर बी क्यूरियोसिटी, मीन्स जिज्ञासा के साथ देख रहे थे। या ऑप्शन नंबर सी सरप्राइज, एकदम आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। या ऑप्शन नंबर डी जेलस, जेलस फील कर रहे थे। तो जब जो जायंट है उन्होंने गुलिवर को देखा तो वो कैसे हो गए, एकदम सरप्राइज्ड हो गए और उसे क्यूरियोसिटी के साथ देखने लगे, बिकॉज इससे पहले उन्होंने इतने छोटे आदमी को, इतने डॉर्फ मैन को कभी भी नहीं देखा था, बिकॉज वो कैसे थे, वेरी जायंट, 60 to 70 feet हाई, 60 to 70 feet वो ऊंचे थे। और जो गुलिवर था वो कैसा था, जैसे हमारी नॉर्मल हाइट होती है 6 to 7 feet ऐसे था। तो उनके कंपैरिजन में जो गुलिवर है वो कैसा लग रहा था, बहुत ही ड्वार्फ लग रहा था, बौना लग रहा था वो। तो वो उसे क्या कर रहे थे, उसके आसपास बैठ गए और उसे क्यूरियोसिटी के साथ देखने लगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्यूरियोसिटी। देन क्वेश्चन नंबर 10, द जायंट्स पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट him because the giant put Gulliver on the ground to look at him because, means जो giant है जब उसने Gulliver को अपने फोर फिंगर एंड थम में ऊपर उठा लिया था, अब क्या करता है वो, ऑप्शन नंबर ए दे हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर, उन्होंने कभी भी ह्यूमन नहीं देखा था। या ऑप्शन बी दे थॉट ही वॉज अ डॉल, वे सोच रहे थे कि वह क्या है, वन डॉल है। या ऑप्शन नंबर सी दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन, या फिर उन्होंने कभी भी इससे पहले ऐसे टाइनी मैन को नहीं देखा था। या फिर ऑप्शन नंबर डी दे वॉन्टेड टू स्कैर हिम, वह जो है उसे डराना चाहते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन, मींस उन्होंने इससे पहले कभी ऐसे टाइनी मैन को, छोटे मैन को नहीं देखा था, है ना। और इसलिए वो उसे, उसके आसपास बैठकर उसे क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे थे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, द फार्मर्स वाइफ गेव गुलिवर ब्लैंक टू ईट, जो फार्मर की वाइफ है उसने गुलिवर को ईट करने क्या दिया। ऑप्शन नंबर ए आइसक्रीम, ऑप्शन नंबर बी पडिंग, ऑप्शन नंबर सी केक, या ऑप्शन नंबर डी ब्रेड क्रम्स। तो क्या दिया था फार्मर्स की वाइफ ने, द फार्मर्स वाइफ गेव गुलिवर ब्रेड क्रम्स, ब्रेड का जो क्रम्स होता है मीन्स जो चूरा होता है, जो हम ब्रेड को एकदम क्या कर लेते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो वो कैसे हो जाती है, एकदम स्मॉल स्मॉल पीसेस बन जाते हैं उनके, मतलब वो पूरी चूरा हो जाती है। तो जो ब्रेड का क्रम्स था वो उसने गुलिवर को ईट करने के लिए दिया था, खाने के लिए दिया था। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12, द फार्मर्स कैट वॉज, द फार्मर्स कैट वॉज, जो फार्मर की कैट है वो थी, कैसी थी। ऑप्शन नंबर ए 10 times बिगर देन एन ऑक्स, ऑक्स से भी 10 गुना बड़ी। ऑप्शन नंबर बी 10 times बिगर देन अ माउस, माउस से 10 गुना बड़ी। या फिर ऑप्शन नंबर सी 10 times बिगर देन अ हॉर्स, हॉर्स से 10 गुना बड़ी। या फिर ऑप्शन नंबर डी 10 times बिगर देन अ रैबिट, रैबिट से 10 गुना बड़ी। तो अकॉर्डिंग टू स्टोरी द फार्मर्स कैट वॉज 10 times बिगर देन एन
ऑक्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फार्मर की जो कैट है वो एक ऑक्स जो बैल होता है उससे भी 10 गुना बड़ी थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैट कितनी बिग रही होगी, कितनी बड़ी रही होगी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13। द फार्मर्स सन, द फार्मर्स सन, फार्मर्स सन ऑप्शन नंबर ए, बेट गुलिवर्स हैंड, बाइट गुलिवर्स हैंड ऑप्शन नंबर बी, पुट गुलिवर्स हेड इनटू हिज माउथ ऑप्शन नंबर सी, पिंच गुलिवर्स हैंड ये ऑप्शन नंबर डी, पुट गुलिवर इनटू हिज माउथ। द करेक्ट आंसर इज द फार्मर सन पुट गुलिवर्स हैड इनटू हिज माउथ। मीन्स जब फार्मर के सन ने गुलिवर को देखा तो वो क्या करने लगा, उसकी हेड को अपने माउथ में डालने लगा, मीन्स उसे इट करने लगा। देन क्वेश्चन नंबर 14। द फार्मर्स वाइफ कॉट गुलिवर, द फार्मर्स वाइफ कॉट गुलिवर मीन्स जो फार्मर है उसकी वाइफ ने गुलिवर को किस में कैच किया, किस में पकड़ा। ऑप्शन नंबर ए इन अ हैंडकरचीफ, ऑप्शन नंबर बी इन अ डिश, ऑप्शन नंबर सी इन हर एप्रॉन या ऑप्शन नंबर डी ऑन हर हैंड। द करेक्ट आंसर इज द फार्मर्स वाइफ कॉट गुलिवर इन हर एप्रॉन मीन्स जो फार्मर की वाइफ ने उसे किस में कैच किया, किस में पकड़ा, अपने एप्रॉन में, जो एप्रॉन उसने वियर किया था। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 15। द फार्मर्स वाइफ कवर्ड गुलिवर विथ, द फार्मर्स वाइफ कवर्ड गुलिवर विथ मीन्स जो फार्मर की वाइफ है उसने गुलिवर को कवर करने के लिए क्या दिया या किसके साथ कवर किया। तो ऑप्शन नंबर ए एन एप्रॉन, एप्रॉन के साथ, ऑप्शन नंबर बी और टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ के साथ, ऑप्शन नंबर सी अ ब्लैंकेट या ऑप्शन नंबर डी अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ। बिकॉज जो कि क्या थे, ऑल जो फॉर्मर्स थे वो कैसे थे, जाइंट थे, बहुत ही वेरी वेरी बिग थे, 60 to 70 फिट ऊंचे। तो उनका जो कंबल था वो भी कैसा था, बहुत ही बड़ा रहा होगा, इसलिए उन्होंने गुलिवर को कवर करने के लिए अपना ब्लैंकेट या कंबल न देते हुए उन्हें क्या दिया, उनका जो हैंकरचिप था। अब हमारा जो हैंकरचिप, हैंकरचिप मीन्स रुमाल या नैपकिन जो हम पकड़ते हैं, तो वो कैसी होती है, स्मॉल होती है, तो हमारे साइज से बहुत छोटी होती है। तो ऐसे ही उनके लिए भी जो उनके हैंकरचिप है वो अब उनके कंपैरिजन में कैसी रही होगी, बड़ी रही होगी, मीन्स हमारे जैसे कंबल होते हैं उतनी बड़ी तो उनकी हैंकरचीफ ही रही होगी। तो वो हैंकरचीफ क्लीन वाइट कलर की जो हैंकरचीफ है वो किसे दिया, गुलिवर को कवर्ड करने के लिए दिया। ओके, तो ये थे हमारे 1 to 15 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, तो आपको इन क्वेश्चन को मैंने केयरफुली जो है बहुत ही अच्छे से आपको इसका मीनिंग समझाते हुए इनके आंसर बताए हैं। आप इन्हें केयरफुली इस लेक्चर को सुनेंगे और इसमें जो भी आंसर मैंने बताया है वो आपको रिमेम्बर रखना है, एंड केयरफुली अपनी जो आपका बुक है वर्कबुक इसके पेज नंबर 62 में केयरफुली आपको इसे क्या करना है, राइट करना है, फिलअप करना है। ओके बेटा, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहां से स्टार्ट करेंगे आप। इसमें 1 2 3 4 5
सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। अप्पू इन फिफ्टीन क्वेश्चंस के आंसर इस बॉक्स में राइट करने हैं। ओके दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।